नमस्कार दोस्तों, युक्ति आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 12 मई और आज हम बात करेंगे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के बारे में। ये करंट अफेयर का सीरीज उन अभ्यर्थियों के लिए है जो वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आया था अभ्यर्थियों का कि सर, हमको DNA के साथ साथ कुछ ऐसा भी मटेरियल मिलना चाहिए जिससे हम वनडे एग्जाम की तैयारी, जैसे UP SSC का है या UP PCS या BR PCS या किसी भी अदर स्टेट की PCS की परीक्षा जो बच्चे अभ्यर्थी देते हैं, तो उनके लिए मैंने विशेष करके ये करंट अफेयर बनाया है। DNA में तो पूरा समग्र होता है, वो UPSC लेवल से लेके अपर टू लोअर सारे लेवल का होता है, उसमें पूरा समग्र होता है, वो पूरा डीप होता है। और ये जो करंट अफेयर है, जैसे वन लाइनर जैसे आप लोग कहते हैं, तो वैसे उस हिसाब से इसको बनाया गया है। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट, अभी तक टोटल 6 सीरीज चल चुका है, 7वां ये दिया गया है, सेट नंबर 7 है। जो अभ्यर्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किए हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। WhatsApp का चैनल है, Telegram का चैनल है, Facebook ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके सीधे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और किसी को भी कोई भी कोर्स ज्वाइन करना हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है, ये खूबसूरत सा नंबर है। तो चलिए हम बात करते हैं हेलीकॉप्टर मनी के। पहला क्वेश्चन है कि हेलीकॉप्टर मनी की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री द्वारा किया गया था। ठीक है, तो मैं आपको क्वेश्चन भी बताऊंगा, आंसर भी बताऊंगा और कहां से ये लिया गया ये भी बता दूंगा, ताकि आज जाके हमारे पुराने वीडियो जो भी हैं DNA के, जो उसको आप देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा डीप वहां पे मिल जाएगा। ये वन लाइनर है और डीप अगर इसका पूरा डिटेल देखना हो तो आप उस वीडियो पे पर्टिकुलर पे जाके आप देख सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हेलीकॉप्टर मनी की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री द्वारा किया गया। तो किसके द्वारा किया गया था, मैंने आज ही के DNA में बताया है, 11 मई के DNA में बताया था आपको कि अमेरिका के अर्थशास्त्री थे मिल्टन फ्रीडमैन, जिनके द्वारा ये अर्थशास्त्री जो थे हेलीकॉप्टर मनी की अवधारणा के बारे में बताया गया है। तो फर्स्ट का क्या हो जाएगा, फर्स्ट का आपका हो जाएगा ए। ठीक है, फर्स्ट का क्या हो जाएगा ए। अगर DNA नंबर देखना है तो DNA आप 11 मई के DNA में जाके आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, निवेश चक्र की सुचारू रूप से क्रियान्वित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जरूरी है। ये ऑप्शन गलत दिया हुआ है, तो तीनों को तीनों ऑप्शन जरूरी है। ये भी DNA जो है 11 मई के DNA से दिया गया है, तो निवेश भी होना चाहिए, उत्पादन भी होना चाहिए, रोजगार भी होना चाहिए। तो अगर पूरा डिटेल देखना है ये डी हो जाएगा दूसरे का, इसमें से ये ऑप्शन गलत छप गया था, उपरोक्त में से सभी होगा। अगर इसका देखना है तो DNA 11 में 11 मई में चले जाइएगा, पूरा डिटेल आपको दिख जाएगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय मौसम विज्ञान विज्ञान की स्थापना कब हुआ था और किस वर्ष में की गई थी। तो जैसे कि मैंने आज ही बताया था DNA 11 मई का ये भी है, तो आपसे मैंने कहा था कि 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, उससे 10 साल पहले यानी 1875 में भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान की स्थापना हुई थी। DNA 11 में आप चले जाएंगे, पूरा का पूरा डिटेल वहाँ पर जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये सब आज का करंट अफेयर है, जो लेटेस्ट करंट अफेयर है, डेली ऐसा ही करंट अफेयर आप लोगों को मिलेगा, DNA भी मिलेगा और ऐसे भी मिलेगा वन लाइनर टाइप का भी। ठीक है, COVID-19 के कारण अर्थव्यवस्था को हुई क्षति से ब्रिक्स देशों को उबारने के लिए कितने बिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर राहत कोष की स्थापना का निर्णय लिया गया है। तो 15 बिलियन डॉलर अमेरिकी राहत कोष का स्थापना लिया गया है। इसका भी अगर पूरा डिटेल पढ़ना है तो आप जाके 11 मई के DNA में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्रिक्स देशों के संगठन में दक्षिण अफ्रीका किस वर्ष सम्मिलित हुआ। तो 2010 में साउथ अफ्रीका सम्मिलित हुआ, पूरा डिटेल 11 मई के DNA में दिया है, जाके आप देख सकते हैं। 2010 में हुआ था, ब्रिक्स का फुल फॉर्म भी आपको बताया गया वहाँ पे, और पहले ब्रिक्स में ब्रिक था, उसके बाद ब्रिक्स हुआ, पूरा डिटेल वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन निम्नलिखित में से कहाँ आयोजित किया जाएगा, यही लिखा हुआ है 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का। हाँ, तो ये आपको 6वां क्वेश्चन में कहा गया है कि 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे आयोजित होगा, ये भी DNA 11 मई के से लिया गया है। तो जो 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन होगा रूस के पीटर्सबर्ग में होगा, अगर पूरा डिटेल देखना हो तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। 7वां क्वेश्चन है, ओलिव रिडले कछुए हजारों किलोमीटर की यात्रा कर उड़ीसा के निम्नलिखित में से किस तट पर अंडे देने आते हैं, ये पूछा गया है। तो ओलिव रिडले कछुए जो हैं उड़ीसा के किस तट पर आते हैं, तो गंजम तट पर आते हैं। तो 7 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और ये भी DNA 11 मई से ही लिया गया है, पूरा डिटेल देखना हो तो आप वहां के जाके देख सकते हैं। विश्व का सबसे पुराना और सबसे बड़ा संगठन आयुषियन
द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा रिपोर्ट जारी किया जाता है? तो IUCN जो है ये क्या करता है, रेड डेटा बुक लिस्ट जारी करता है, जो संकटाग्रस्त पक्षी हैं या संकटाग्रस्त हैं उसका पूरा डिटेल जो रेड डेटा बुक होता है वो IUCN द्वारा ही जारी किया जाता है। तो ये भी 11 मई में आप जाके देख सकते हैं। अगला है, लास्ट एंड होम रिपोर्ट निम्नलिखित में से कौन जारी करता है? तो लास्ट एंड होम रिपोर्ट कौन जारी करता है, ये यूनिसेफ के द्वारा जारी किया जाता है। तो किसके द्वारा जारी किया जाता है, यूनिसेफ द्वारा जारी किया जाता है। यूनिसेफ के बारे में अगर पढ़ना हो तो आप 8 मई के DNA में जाके देख सकते हैं। यूनिसेफ का फुल फॉर्म बता देता हूं मैं, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेन फंड होता है। और इसमें क्या होता है, लास्ट एंड होम जो रिपोर्ट था 2019 का, इसमें 33 मिलियन लोगों का आंतरिक रूप से विस्थापन हुआ था, इसके बारे में आपको बताया गया था। वर्ष 2019 में भारत में आंतरिक रूप से सर्वाधिक विस्थापन हुआ है, ये भी अगर इसका पूरा डिटेल पढ़ना हो। और एक मैंने आपको फार्मूला भी बताया था कि भारत BFBC बताया था मैंने, भारत फिलीपींस, फिर आपको बताया था बांग्लादेश देन चाइना, अगर विस्थापन के मामले की बात करूँ तो ये आपको फुल फॉर्म भी उसमें बताया था। तो आप अगर पूरा डिटेल पढ़ना हो तो 8 मई के DNA में जाइए और पूरा डिटेल वहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो 9 का हो जाएगा D। सीमा सड़क संगठन की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी, यही बताया गया था। तो सीमा सड़क संगठन की अगर मैं बात करूँ तो इसका भी पूरा डिटेल अगर पढ़ना हो तो 8 मई के DNA में जाके देख सकते हैं। तो सीमा सड़क था 7 मई 1960, जहाँ तक कि मुझे याद है कि 7 मई 1960 ही आप लोगों को बताया गया है और यही आपका क्वेश्चन सही है। और ये किस मंत्रालय के अंतर्गत होता है, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत होता है, रक्षा डिफेंस के अंतर्गत होता है। और इसका काम क्या होता है ये भी आपको बताया था मैंने, यह संगठन सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क की कनेक्टिविटी प्रदान करने में अग्रणी भूमिका अदा करता है, ठीक है। और इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये भी आपको बताया था कि यह पूर्वी और पश्चिमी सीमा क्षेत्रों में सड़क निर्माण तथा इसके रख रखाव का कार्य करता है ताकि सेना की रणनीति आवश्यकताएं पूरी की जा सके। तो ये भी आपको पूरा डिटेल आपको बताया गया था। तो ये रहे आज के महत्वपूर्ण DNA। तो आपका रोज सीरीज चल ही रहा है, ये करंट अफेयर का 7वां सीरीज है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले का आंसर की मैं अगर बात करूँ तो हेलीकॉप्टर मनी ये अमेरिकी अर्थशास्त्री जो थे मिल्टन फ्रीडमैन, उनके द्वारा दिया गया है। दूसरे का क्वेश्चन में था कि ये ऑप्शन गलत दे दिया गया था, उपरोक्त में से सभी होगा, निवेश चक्र का D हो जाएगा, निवेश भी होता है, उत्पादन होता है, रोजगार तीनों होता है। भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान की स्थापना कब हुई थी, 1875 में की गई थी, ये भी बताया। COVID-19 से कितने 15 बिलियन की बात हुई थी, ठीक है। सारे रूस के विदेश मंत्रियों ने सम्मेलन किया था, संबोधित किया था, सारा डिटेल आपको बताया ही गया था। ब्रिक्स में 2010 में ब्रिक्स हुआ था, ये भी बताया मैंने आपको। 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का रूस के पीटर्सबर्ग, ये भी आपको बताया मैंने, ठीक है। 7वां क्वेश्चन पूछा किस तट पर, तो गंजम तट पर था, ये भी आपको बताया मैंने। 8वां क्वेश्चन IUCN रेड डेटा बुक जारी करता है, ये भी आपको बताया मैंने। 9वां लास्ट एंड होम रिपोर्ट किस कौन जारी करता है, यूनिसेफ के द्वारा जारी किया था, ये भी आपको मैंने बताया। और 10वां सीमा सड़क संगठन की स्थापना 7 मई 1960, ये भी आपको बताया। तो ये रहे वन लाइनर क्वेश्चन जो किसी भी स्टेट PCS में चाहे UP SSC में, जैसे मैंने पहले ही कहा, आपसे पूछे जा सकते हैं। तो DNA के साथ साथ हमारा रोज का ये भी प्रयास रहेगा कि जो बच्चे जो स्टूडेंट अगर UPSC लेवल का पेपर नहीं देते हैं, अगर स्टेट PCS का पेपर देते हैं या कोई भी छोटा एग्ज़ाम देते हैं, वनडे एग्ज़ाम देते हैं, छोटा एग्ज़ाम तो नहीं कहूँगा, वनडे एग्ज़ाम देते हैं, तो ये उनके लिए पर डे ऐसे ही सीरीज चालू करूँगा, रोज रात को वीडियो अपलोड हो जाएगा और आप लोग देखिएगा। तो रोज़ आप लोग का जो DNA का भी, जिसको DNA अगर अच्छा लगे तो DNA अपना देखिए, वो समग्र है, पूरा पूरा का पूरा डिटेल होता है उसमें और ये उसका फैक्चुअल डेटा होता है, ठीक है। इन्हीं शब्दों के साथ आज मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ाई करते रहिए। गुड नाइट।